सुप्रभात। हिंदी गद्य में जीवनी लेखन, जीवनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम 11वें राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ये हमारे भारत देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे सन 2002 में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जन्म सन 1931 ईस्वी, मृत्यु सन 2015 ईस्वी। जन्म स्थान तमिलनाडु, राज्य में रामेश्वरम के समीप धनुषकोटी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम था आसिमा, जिनको आसी अम्मा भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म बड़े साधारण से मुसलमान परिवार में हुआ था। जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 ईस्वी 15 अक्टूबर, अर्थात 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के धनुषकोटी गांव में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक साधारण मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसिमा था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसिमा था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। बचपन में इनके परिवार के घर के लोग इनको आजाद नाम से पुकारते थे। संयुक्त परिवार वाले इस घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। उस युग में एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार रहा करते थे। तो संयुक्त परिवार होने के कारण सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। तो इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो वहीं रामेश्वरम के एक पंचायती प्राथमिक विद्यालय में इनका नाम लिखाया गया। पंचायती प्राथमिक विद्यालय, जैसे आपके प्राइमरी पाठशाला हैं, ऐसे एक स्कूल में इनका नाम लिखाया गया। अत्यधिक परिश्रमी और अपनी धुन के पक्के कलाम को आरंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़कर रामनाथपुरम आकर रहना पड़ा। इनके अंदर जो पढ़ाई की ललक थी, लालसा थी, वो गांव में रह करके, क्योंकि वहाँ आसपास कोई ऐसे अच्छे विद्यालय, उच्च शिक्षा के विद्यालय नहीं थे, इनको इसलिए अपना घर छोड़ करके रामनाथपुरम में आकर के इन्होंने निवास किया और यहाँ के स्वार्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। तत्पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 600 रुपये की फीस भर करके इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। उस जमाने में 600 रुपये फीस बहुत मायने रखती थी, और फिर ऐसे एक साधारण परिवार के लिए। लेकिन पढ़ाई का मन बना चुके अब्दुल कलाम ने वो सब किया। 600 रुपये फीस भरकर इंजीनियरिंग में प्रवेश किया, जहाँ पर इन्होंने अपने परिश्रम से छात्रवृत्ति प्राप्त की। इतना मेहनत से पढ़े, इतने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए कि वहाँ पर इनको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और अंतरिक्ष विज्ञान में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। सन 1962 ईस्वी में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो जिसको कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदार्पण किया और उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में इन्होंने अपना सक्रिय
योगदान दिया। 18 जुलाई सन 2002 को आप भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 18 जुलाई सन 2002 को आप भारत के राष्ट्रपति बन गए। 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को सायंकाल शिलांग में एक सभा में व्याख्यान दे रहे थे, भाषण चल रहा था, उसी बीच में इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो दिल का दौरा इतना भयंकर था कि इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उस दौरे को इनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इनका प्राणांत हो गया। 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को सायंकाल शिलांग में एक व्याख्यान के अनंतर इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनका असामयिक निधन हो गया, असामयिक मृत्यु हो गई। रचनाएं, इनकी कृतियां, डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, इग्नोटिक माइंड्स, एनालिसिस का पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, एनविजनिंग अन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, एक ऑटो बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, वैज्ञानिक से राष्ट्रपति पद तक का सफर, साइंटिस्ट टू द प्रेसिडेंट। अन्य रचनाएं, इंडिया 2020, 2020 में भारत का क्या स्वरूप होगा, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा माय जर्नी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगली हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से प्रख्याति प्राप्त हुई है, ये जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी उस समय ये अटल बिहारी सरकार में अटल बिहारी जी के पर्सनल वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वैज्ञानिक सलाहकार थे और उसी पद पर काम करते हुए सन 2002 में इनका राष्ट्रपति पद पर चयन हुआ था। हिंदी साहित्य में स्थान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के असंख्य छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर APJ कलाम अपनी हर सभा में विद्यार्थियों से जरूर मिलते थे, विद्यार्थियों से बहुत प्रभावित होते थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, सर्वप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक, समाजसेवी, मानवता के पुजारी, भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट और विलक्षण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। अपनी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा के आधार पर इन्होंने अपने जिन चिंतन परक विचारों को व्यक्त किया और अपनी आत्मकथाओं के आधार पर अपने जिस मर्म स्पर्शी जीवन का चित्र
अंकित किया है वह देश विदेश के प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। इन्होंने अपने चरित्र, व्यक्तित्व और महान कार्यों से ओतप्रोत इस समग्र संसार के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। भारत के इस मिसाइल मैन को युग युग तक स्मरण किया जाएगा।